नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, आज मैं रामायण की जो वाल्मीकि ने लिखी है उस किताब का मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, जिसमें तय आपको करना है कि राम भगवान था या नहीं था। दरअसल यह कहानी है बालिका युद्ध। जब सीता का हरण हो गया था तो राम वन में भटक रहे थे, उसी वक्त राम का सामना यानी कि मुलाकात सुग्रीव से होती है। और सुग्रीव जो अपना सारा हाल सुनाता है कि एक मायावी राक्षस बाली से लड़ने के लिए आता है और बाली को ललकारता है। उस वक्त बाली अपने राजमहल में लेटे रहते हैं। बाली सुग्रीव को इजाज़त देते हैं कि सुग्रीव जाओ, देखो बाहर कौन है, हमें ललकार रहा है। सुग्रीव आता है और उस मायावी राक्षस से लड़ाई होती है, लेकिन सुग्रीव एक मिनट भी नहीं टिक पाता उस मायावी राक्षस के सामने, और वह भाग कर बाली के पास आता है और सारा हाल बताता है कि भैया वो एक मायावी और बलशाली राक्षस है, आप ही जाकर देखें उसे। फिर बाली गरजते हुए बाहर निकलता है और राक्षस से भयानक युद्ध करने लगता है। वह मायावी राक्षस भागकर एक गुफा में घुस जाता है और उसका पीछा करते हुए बाली भी उसके पीछे चले जाते हैं। वह राक्षस मायावी था, और आपने कहानी सुनी होगी कि बाली का खून सफ़ेद होता था और उस मायावी राक्षस का भी खून सफ़ेद था। जब बाली ने उस राक्षस को मार दिया और सफ़ेद खून बहकर बाहर आया, तब सुग्रीव को एहसास हुआ कि यह सफ़ेद खून तो मेरे भाई का था, इसका मतलब मेरा भाई मारा जा चुका है। तो सुग्रीव ने कोई बड़ा सा पत्थर या पहाड़ उठाकर उस गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया, ताकि यह राक्षस आकर हमारे साम्राज्य को ना ख़त्म कर पाए और इसी में यह भी मर जाए। तो सुग्रीव ऐसा करके घर वापस आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि हमारा भाई मारा जा चुका है। फिर सुग्रीव राजा बन जाता है, और बाद में कुछ महीनों बाद जब बाली वापस आता है किसी तरीके से, तो सुग्रीव को देखता है कि वह राजा बनकर बैठा है। तो बाली को ऐसा लगता है कि सुग्रीव ने मेरे साथ छल किया है। सुग्रीव हकीकत बताता है, मगर बाली सुनना नहीं चाहता है। वह क्रोध में था, इसलिए उसने बाली को मारकर भगा दिया और पूरा राजपाट अकेले ही हड़प लिया, और प्लस उसकी पत्नी को भी अपनी रखेल बना लिया। यही कहानी सुग्रीव जब राम को सुनाते हैं तो राम उन्हें उनका राजपाट वापस करने के लिए कहते हैं। जब राम बाली को मारने जाते हैं और बाली को छुपकर मार देते हैं, तब राम ये कहानी बताते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर बाली कहता है कि अगर आपने हमें यह पहले बताया होता तो यह दिन शायद नहीं आता, ना ही आपके हाथों मेरी मृत्यु होती। मेरे एक ही दहाड़ से रावण आपकी पत्नी को वापस कर सकता था, क्योंकि बाली ने रावण को कई बार युद्ध में हराया था। मगर राम की कमजोरी यहाँ पर पता लगती है कि उन्होंने सबसे पहले तो बाली को छुप कर मारा। माना कि एक वरदान था बाली को, सामने से कोई नहीं मार सकता था, मगर यही बात राम को उनके राज्य में जाकर बाली को समझाना था। अगर बाली नहीं मानता तो बाली को यह कहना था कि तुमने जिस ब्रह्मा जिस शिव को तप करके यह शक्ति हासिल की है, उन्हीं का एक प्रत्यक्ष रूप मैं भी हूँ, विष्णु। वो उसको अपना असली रूप दिखाकर उसे बता सकते थे, और बाली को जान से ना मारकर उसको भी जीवनदान दिया जा सकता था। राम को छुप कर लड़ना, बाली को धोखे से मारना, यह राम का कायरता साबित करता है, राम के भगवान ना होने का एक पक्का प्रमाण देता है। और फिर राम सारा राजपाट सुग्रीव को सौंप देते हैं। इस कहानी से हमें सिर्फ यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि राम में 1% भगवान होने का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो यह आपको तय करना है। आप जाके वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं, या रामायण आपने देखा ही होगा टीवी सीरियल में। तो बातों का तर्क निकालना सीखिए, किसी के दिखाने पर किसी के बहकावे पर मत जाइए। कोई भगवान छुपकर लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मर नहीं सकता, अमर होता है, अजर होता है।